तो स्वागत है आप सभी का एनएफए नेट क्लास में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं कि वर्ड सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो एक व्यक्ति था जो बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया। उस अकाउंट में उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। एक निश्चित समय के बाद उसे उस डिपॉजिटेड अमाउंट पे बैंक द्वारा जो इंटरेस्ट पे किया गया उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अगर इसी को हम कुछ और एग्जांपल से समझना चाहें तो कोई एक व्यक्ति है जिसे लोन की ज़रूरत थी, उसने बैंक से लोन लिया, उस लोन अमाउंट पे उसने जो इंटरेस्ट पे किया उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। आप सभी ने सिंपल फॉर्मूला देखा होगा सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि हम किस तरीके से लिखते हैं, जो होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल अमाउंट मतलब कि मूलधन गुणित रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर और गुणित टाइम यानी समय बटे 100 होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम फॉलो करते हुए आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 12,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम मतलब कि पर ईयर के लिए बोला गया है, और समय दिया है 5 साल का। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और जब सिंपल इंटरेस्ट बोलेगा मतलब कि वो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि 5 साल बाद आपका फाइनल अमाउंट क्या होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल आपका क्या दिया है, 12,000 रुपये दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिया है, 5% दिया है, और समय आपको क्या दिया है, 5 साल का दिया है। बटे हम क्या लेंगे, 100 लेंगे। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 0,0 कट गया, 5 5 जो 25, और 25 इंटू 120 करने से कितना आ जाएगा आपका, 3,000 रुपये आ जाएगा। तो ये आपका क्या निकला, इस प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट निकला। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस में कि आपको फाइनल अमाउंट मतलब इस 5 साल के बाद फाइनल अमाउंट आपका कितना बनेगा वो पूछ रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि हमने अभी बताया था सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उतना तो आप देंगे, प्लस उसमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया है उसको आप ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 12,000 रुपये, प्लस आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है वो कितना निकला है, 3,000। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। तो जो फाइनल अमाउंट आपको पूछा गया था वो कितना आएगा, 15,000, जो कि ये है ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है जो कि 2,000 रुपये है, और सिंपल इंटरेस्ट भी यहाँ दिया है 180 रुपये। समय इसने कितना दिया है, 9 मंथ का लिया है, और आपको पूछ रहा है कि एनुअल रेट क्या होगा इस इंटरेस्ट का, मतलब कि पर ईयर में जो रेट होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपल आप क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है 180 रुपये, प्रिंसिपल आपको दिया है 2,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, और रेट जो रहता है वो परसेंट में रहता है इसलिए हम उसे बटे 100 लिखते हैं। समय आपको क्या दिया है, 9 मंथ का दिया है, उसे हम ईयर में हमें क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसलिए आप 9/12 कर देंगे। ये 0,0 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये किस तरीके से सॉल्व होगा, 4 5 20, मतलब कि यहाँ पर आपका कैसे आएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और ये जो R है वो बचा है अभी, हम उसे लिख देते हैं, और इधर आपका क्या बचा है, 180 रुपये बचा है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे आगे तो ये किस तरीके से आएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो 180/15 हो जाएगा, इक्वल्स टू R रहेगा। फिर इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 15 1 15, और यहाँ पर 30 रहेगा, 15 2 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या निकला, 12% का निकला, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर 4 पे है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बस कुछ सर्टेन अमाउंट दिया गया है जिसे हम पी ले लेंगे और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो सेम दिया है। टाइम आपको क्या दिया है? डिफरेंट दिया है। एक 9 ईयर्स दिया है और एक 12 ईयर्स दिया है। यहाँ बस हमको इनका सिंपल इंटरेस्ट का ही क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम 9 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी के जगह पे हम क्या रख देंगे? 9 रख देंगे अपॉन 100 हो जाएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकला किसके लिए? 9 ईयर्स के लिए। उसी तरीके से हम 12 ईयर्स के लिए निकालेंगे तो 12 ईयर्स के लिए कैसे निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट? पी इंटू आर इंटू 12 हो जाएगा अपॉन 100। अब इनका ही हमें क्या बोला है? रेशियो फाइंड करने बोला है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होके स्वैप हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से लिखाएगा पी इंटू आर इंटू टी, मतलब 9 होगा अपॉन 100। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन क्या होगा? मल्टीप्लाई में जब होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा और पी इंटू आर इंटू 12 हो जाएगा। आगे जब इसे सॉल्व करोगे तो ये 100 इस 100 से कट जाएगा। नेक्स्ट ये जो P और R है वो इस P और R से कट जाएगा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 3 9 और 3 4 12 हो जाएगा। मतलब इनका जो रेशियो आया वो किस तरीके से आया? 3:4, मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है कि अ सम बिकम्स 5 टाइम्स, मतलब कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है? P है, जिसको उसने क्या कर दिया? वो 5 गुना बढ़ गया है, 5 टाइम्स बढ़ गया। तो हम लोग इस P को 5P करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट कब बढ़ जाता है? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है? 20%। तो पूछ रहा है कि ये जो P है वो 5 गुना कितने समय में बढ़ता है, मतलब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो हम सबसे पहले देखो, ये जो हमारा है वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है और ये जो है वो क्या है? फाइनल अमाउंट, जिसे हम A से भी डिनोट करते हैं, फाइनल अमाउंट। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट आप निकालेंगे तो किस तरीके से होगा? अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है उससे आप क्या कर लोगे? प्रिंसिपल को माइनस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 4P आ जाएगा, मतलब 5P माइनस P करने से 4P आ जाएगा। अब हम जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? पी तो हमें क्या दिया है? प्रिंसिपल अमाउंट पी दिया है। आर हमें क्या दिया है? 20% दिया है और टाइम हमें निकालना है तो हम उसे एज इट इज़ लगते हैं अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपने अभी निकाला है उसका क्या है? 4P है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना है? टी की वैल्यू निकालना है। तो सिर्फ टी को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको इधर ले जाइए। तो ये जब बटे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 4P इंटू 100 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? पी इंटू 20 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 21 जा और 25 जा 100 हो जाएगा और यहाँ जो PP है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आया कितना? 20, मतलब जो टाइम आपका जो दिया है वो कितना आया है? 20 ईयर्स, जो कि ऑप्शन थर्ड में है। इस वीडियो में मैं सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस की हूँ तो आगे चल के मैं आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।